हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जगदीप सिंह और मेरे साथ हैं डॉक्टर मनीष शर्मा सर। क्या होता है कि भाई एग्जाम के बाद, जैसे नीट का भी एग्जाम गया है, तो एग्जाम के बाद सर सबसे बड़ा जो बच्चों के पास क्वेश्चन रहता है कि भाई वो कट ऑफ का रहता है कि बेसिकली भाई कट ऑफ क्या जाने वाली है। और हमारे बच्चे तो खास करके वेट कर रहे होंगे कि कब सर कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो उसी पे आज हम नेट जो कट ऑफ जाने वाली है इस साल, उसके प्रिडिक्शन के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहते हैं हमारे एक्सपीरियंस के साथ, कि जो हमने पिछले साल की कैलकुलेशंस देखी उसमें क्या हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आज हम आपके लिए थोड़ा प्रिडिक्शन लेके आए हैं कट ऑफ के बारे में, इसको आप देखिए। तो मैं चाहूंगा कि मनीष सर पहले आप बच्चों को ये बताइए कि कट ऑफ जब भी हम बताते हैं तो उसका बेसिक सा जो रहता है कि भाई बेस क्या होता है, कट ऑफ कैसे निकाली जाती है, कैसे बताई जाती है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट या टीचर्स अगर बताते हैं तो कैसे इसके बारे में बताते हैं। सर देखिए, जो कट ऑफ है वो निकालने के में तीन पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहला, किसी भी एग्जाम में कितना नंबर ऑफ एस्पिरेंट था, बच्चे कितने थे। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि नंबर ऑफ सीट कितनी है, कितने बच्चों को एडमिशन मिलने वाला है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है टफनेस ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम कितना टफ आया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नीट में कट ऑफ कहीं ज्यादा हायर जाती है, जबकि वही आईआईटी में अगर हम देखें तो कट ऑफ कंपेटिवली लोअर रहती है, क्योंकि आईआईटी का पेपर कंपेटिवली टफ है, जबकि नीट के पेपर को हम बोलते हैं कि हाई स्कोरिंग पेपर है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ जाएगी क्या। अब बच्चों अगर हम आगे देखें कि इस साल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह रहे, तो मैं चाहूंगा एक बार सर आपको एलेबोरेट करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस साल जो टोटल एस्पिरेंट्स रहे वो रहे 21 लाख लगभग, मतलब ये वो डाटा है एक बच्चे, राउंड फिगर आप एक बात राउंड फिगर बता सकते हैं, 21 लाख से कम ही था। ये वो हैं जिनके फॉर्म भरे गए थे। टोटल ऐसा नहीं होता कि जितने फॉर्म भरे गए हैं सभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो ये एक डाटा होता है कि भाई इतने बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं, तो ये 21 लाख से कम ही था। तो अप्रोक्सीमेटली हम 21 लाख मान के चल रहे हैं कि भाई 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। दूसरा, अगर अब सर ने बात करी कि भाई टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ टोटल सीट्स भी यहाँ मेजर करनी होती है हमें कट ऑफ निकालने के लिए, तो पिछले 3 साल से अगर हम देखें तो सीट्स में काफी इजाफा हुआ, काफी इंक्रीज हुई है, सीट्स बढ़ी हैं बहुत बढ़िया से, है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर सीट देख लें तो 52,000 प्लस सीट्स हैं। आज के टाइम पे जो हमारा काउंसलिंग होगा वो इन्हीं सीट्स के लिए होगा। और वैसे अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लें तो 48,000 प्लस सीट्स हैं, इसका मतलब सीट्स भी काफी बड़ी हैं इस साल। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट अगर इंक्रीज हुए हैं तो सीट्स भी साथ में इंक्रीज हुई हैं। तो कट ऑफ जो है बच्चे वो ज्यादा वेरी नहीं करने वाली, लास्ट ईयर से लेकर लगभग लगभग सेम ही रहने वाली है कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में। इसीलिए मैं चाहूंगा सर से कि आप बच्चों से पहले आप पिछले साल की जो रही है कट ऑफ उसके बारे में जानकारी दें बच्चों को, फिर आगे उनको हम इस बार की भी कट ऑफ के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों देखिए, जैसा कि आपको न्यूज़पेपर वगैरह से पता लगता रहता होगा कि गवर्नमेंट ने कई सारे मेडिकल सीट्स बढ़ाई हैं, कॉलेजेस नए खोले हैं। वहीं अगर हम देखें तो लास्ट ईयर नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे लगभग 17 लाख के आसपास थे, जो इस साल बढ़ के 21 लाख हुआ, यानी कि नंबर ऑफ सीट भी बढ़ा और नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी बढ़ा। अगर बात करते हैं एग्जाम की टफनेस के बारे में, तो जैसे बीइंग बायोलॉजी फैकल्टी अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर का जो बायोलॉजी पेपर था इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एंड सेम केसेस दिस ईयर, यानी कि चाहे 22 का हो या 23 का, पेपर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था। बस ये है कि 22 का पेपर थोड़ा सा लेंदी था और 23 का पेपर उसके कंपैरिजन में मैं कहूंगा कि लगभग 20% के आसपास थोड़ा सा कम लेंदी रहा, यानी कि कम टाइम कंज्यूमिंग रहा। यहाँ पे अगर देखें तो पिछले साल फिजिक्स थोड़ी सी टफ थी, इस साल फिजिक्स उतनी टफ नहीं रही, तो इस साल थोड़ा सा केमिस्ट्री में टफनेस, और रादर एक दो क्वेश्चन पे थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है कि भाई आंसर क्या जाएगा। तो मुझे लगता है कि मोर और लेस लगभग कट ऑफ वहीं उसके आसपास ही जानी चाहिए। जैसे कि अगर बच्चों हम देखें 2022 की बात करते हैं, तो आप देखिए जनरल कैटेगरी में राउंड वन में जो कट ऑफ थी वो रही 608, राउंड टू में अगर हम बात करें तो 602, और कितनी रैंक तक वाले बच्चों को एडमिशन मिला तो वो गया अपना आपका बेटा 22,000। यहीं पर जब मैं बात करता हूं ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी में आप देखिए जनरल से कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर नहीं आता, स्लाइट थोड़ा बहुत अंतर रहता है बस। तो आप देखिए ओबीसी के लिए यही फिगर 606 और 601 रहा, यहां भी लगभग रैंक 22,000 के आसपास रही। फर्दर हमारे जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, यानी कि एस सी एस टी है या ईडब्ल्यू एस है, मैं चाहूंगा सर एक बार आपको इलेबोरेट करें।
बिल्कुल सही बात है कि भाई जैसे जनरल ओबीसी की रैंक थोड़ी हाई जाती है, तो एससी एसटी में अगर देखेंगे तो एससी में फर्स्ट राउंड में 492, सेकंड में 475, और रैंक अगर देखें तो 119,000 तक मतलब मिल गया था कॉलेज बढ़िया से। ऐसा ही एसटी के साथ भी है, 453 फर्स्ट राउंड में और 444 सेकेंड राउंड में, और 151,000 तक कॉलेज मिल गया था ये भी, है ना। ईडब्ल्यू एस जो होता है ये कैटेगरी कुछ बच्चे ही इसको क्या करते हैं कि फॉलो कर पाते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यू एस का, तो उसमें भी लगभग क्या होता है कि जो जनरल ओबीसी की जो कैटेगरी है उससे थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि भाई थोड़े से कम नंबरों के साथ भी कॉलेज बच्चे को मिल जाता है, जैसे 605 598 रहा फर्स्ट राउंड में, 605 सेकंड में 598, और 23,000 प्लस तक की रैंक तक कॉलेज आ गया था बच्चों के पास। तो ये लास्ट ईयर का प्रेडिक्शन था, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट था कि भाई ऐसा जाएगा, और ऐसा गया भी, है ना। तो अब आपको आगे बढ़ना है, तो इस साल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में यही होता है कि भाई पिछले साल से इस साल का आपका प्रेडिक्शन क्या है। नहीं मनीष सर, इस चीज के लिए बच्चा वीडियो कंटिन्यू देखता है कि भाई इस साल का प्रेडिक्शन क्या बैठता है। तो इस साल के प्रेडिक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मनीष शर्मा सर इसमें आगे आपको इलेबोरेट करेंगे। देखिए, हमें हमेशा उन्हीं चीजों को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है जिनके बारे में हमें क्लियर कुछ पता ना हो कि रहने वाला क्या है, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे होते हैं। ठीक, तो ऐसे ही अगर हम बात करें 2023 की, तो जैसा हमने कहा कि मोर और लेस लगभग लास्ट ईयर जैसा ही रहना है। तो जो कट ऑफ है ये लगभग बच्चे अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो रहनी चाहिए वो लगभग 595 के आसपास होनी चाहिए इस साल। 595 से अगर आप देखें तो अपन प्लस माइनस 5 एक पकड़ लेते हैं कि ठीक है, इससे हो सकता है कि ये 600 भी चली जाए और हो सकता है कि 590 रहे। इन द सेम फैशन अगर ओबीसी के बारे में बात करते हैं तो भी एक कट ऑफ लगभग सेम रहने वाली है। हमने देखा भी कि 2022 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया था। यही पर एससी कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो ये कट ऑफ लगभग 450 के आसपास जाएगी, जानी चाहिए। ठीक, और एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो थोड़ा सा और कम, लगभग 420 के आसपास होनी चाहिए, प्लस माइनस 5 अपन पकड़ सकते हैं। ये हमारा एक अपना अनुमान है कि 2023 में यानी कि इस साल एग्जाम में कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, यानी कि कितने सीट तक के बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि बच्चे क्या होता है कि काउंसलिंग की जो कट ऑफ हमेशा बताई जाती है बच्चों को, तो वो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो नंबर लेकर आते हैं, या हम अगर हमारी बात करें कि हम भी ये नंबर लेकर आए हैं, तो ये नंबर हमेशा सेकंड राउंड के लिए काउंट करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है चीज का, है ना, कि भाई फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज नहीं मिल रहा तो ऐसा नहीं कि भाई कोई बात नहीं, सेकंड राउंड तक हम वेट भी करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें बदलती हैं टाइम के साथ साथ, इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको इसके आसपास कॉलेज मिलेगा। मतलब अब आप अपने नंबर्स के हिसाब से, अपनी रैंक के हिसाब से एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि भाई मुझे कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब दूसरी चीज जो मनीष सर निकल के आती है वो ये आती है कि भाई अगर मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा, मेरा जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो मेरे को अप्रोप्रिएट वो नहीं मिला, तो तब मैं क्या करूं। तो हम उसका भी सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इंडिया की बेस्ट टीम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, नीट के तीन सब्जेक्ट हैं, ये अन अकेडमी में अवेलेबल है बच्चों के लिए, है हमेशा लगी रहती है, दिन रात एक करती है, है ना। बच्चे जितनी मेहनत करते हैं उससे कहीं ज्यादा टीचर्स उनके साथ लगे रहते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ड्रॉप लेना है और मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, इस साल अगर मेरे नंबर 500 रहे हैं और नेक्स्ट ईयर मैं इसको 650 प्लस लेकर जाऊंगा, तो आपको साथ में एक अच्छे टीचर, एक अच्छे एजुकेटर की भी जरूरत है। तो वो सब यहां पूरी टीम अन अकेडमी में अवेलेबल है। आप जब आपका रिजल्ट आ जाए या आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाए उसके बाद या उससे पहले, कभी भी आप आइए, मोस्ट वेलकम है। हम आपके साथ दिन रात मेहनत करते हैं और बढ़िया से आपका रिजल्ट जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा हम इस साल भी बच्चों को करके दिखाएंगे। 2023 का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी हम दिखाएंगे कि हमने बच्चों के साथ कड़ी मेहनत करी है। हाँ, ये ठीक है कि हमारा पहला ईयर था ये ऑफलाइन के अंदर कोटा सेंटर पे, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे लिए नए रहे हैं, लेकिन यह भी हमें समझना पड़ेगा कि हमें अच्छा बच्चा मिलेगा तो अच्छे टीचर को अच्छा बच्चा पढ़ाने में मजा भी खूब आता है, और फिर दोनों की एनर्जी लेवल जब मैच करती है तो फिर शानदार रिजल्ट निकल के आता है। सर देखिए, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि ड्रॉप लेने को कुछ बच्चे मान के चलते काइंड ऑफ फेलियर, तो बेटा ड्रॉप लेना फेलियर नहीं है। आप एक बात समझिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम नहीं है जहां आप पास और फेल हो रहे हो। कंपिटेटिव एग्जाम में नंबर ऑफ सीट लिमिटेड है, ऑब्वियस सी बात है कि इस एग्जाम के बाद आपको जो करियर मिलता है वो करियर दुनिया के सबसे बेहतरीन करियर्स में से काउंट होता है। तो जब अगर बात मेरी पूरी लाइफ की हो
और तब अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर एक साल और अगर दे दूं, थोड़ा सा एफर्ट अगर मैं और कर लूं और मैं अपने करियर में थोड़ा सा और ज्यादा अपलिफ्ट कर पाऊंगा, ज्यादा बेहतर कर पाऊंगा, तो मेरा अपना ओपिनियन है कि ठीक है, एक साल अपने को और इन्वेस्ट कर लेनी चाहिए, बट द कंडीशन गिवन। वो एक साल हमें तभी इन्वेस्ट करनी चाहिए जब हम खुद से एक बार पूछ लें कि क्या मैं इस अगले एक साल में एकदम बहुत तबीयत से, बहुत पूरे अपने मनोयोग से मैं मेहनत करने को तैयार हूं या नहीं। क्योंकि देखिए, चाहे मैं सही, सर सही, हम में से कोई भी सही, बेटा हम सिर्फ आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बेस्ट तरीके बताएंगे कि एनसीईआरटी कैसे समझी जाती है, लाइनें कैसे समझी जाती हैं, पर अल्टीमेटली समझनी आपको है। तो अगर आप बिल्कुल मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप यकीन मानिए कि जितनी मेहनत आप करने तैयार हैं, उससे दुगनी और उससे कहीं ज्यादा मेहनत हमारी टीम आपके साथ करने को तैयार है। और हम आपको डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ के ही आएंगे, या सर जैसे अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, एक वाइट एप्रन वाली बात, वो सर बताएंगे वाली बात। मैं कहूंगा, हमेशा मैं बच्चों से बोलता हूं कि भाई मिलेंगे दोबारा क्लासरूम में, जब पढ़ाता हूं ना, तो बच्चों को हमेशा मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि मिलेंगे, लेकिन व्हाइट एप्रन में मिलेंगे। बच्चा आएगा तो व्हाइट एप्रन में मिलने आएगा। और एक बात दिमाग में डालिए, बच्चे की सिलेक्शन का साल कोई एक ही होता है, हो सकता है कोई अभी इस साल नहीं आया हमारे लिए, है ना, तो नेक्स्ट ईयर हमारा सिलेक्शन का ईयर होगा, तो सिलेक्शन का एक ही साल होता है। और हम कहते हैं ना कि मेरा टाइम आएगा, तो शायद वो टाइम जो है वो अब आने वाला है आपका, है ना, तो वो वाली बात है। तो इसलिए आप आइए, और जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा गया है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेड स्कोर के अकॉर्डिंग नहीं गया है, तो निराश मत होइए, हराश मत होइए बच्चे, हम आपके लिए हैं, आप हमसे बात करिए, पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल है, आप उनसे बात करिए, जिनसे भी आपका कनेक्शन है, बढ़िया तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, और जो भी अच्छा बन पाएगा वो आपके लिए करेंगे। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक बच्चे, लगे रहिए और अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छा बनाइए।